हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अनदर मैथमेटिक्स रीजनिंग वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें यहाँ पे एक नंबर्स दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑड है। पहला हमारे पास दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 80-9, उसी तरह 60-8, उसी तरह 36-6 और उसी तरह हमारे पास 7-49। और हमें बताना है कि इसमें ऑड वन कौन सा होगा, जैसे कि ऑप्शन ए 49-7, उसी तरह ऑप्शन बी 36-6, उसी तरह 64-8 और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन डी 80-9। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते हैं तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए हैं, एक सीरीज दी गई है। अगर हम इस सीरीज को देखें तो पहला हमारे पास नंबर दिया गया है 80-9 और उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट नंबर दिया गया है 64-8। अगर आप 8 का स्क्वायर लोगे जो कि आपका इक्वल होगा 64 के इक्वल होगा, उसी तरह नेक्स्ट नंबर हमारे पास दिया गया है 36-6 और उसी तरह अगर आप 6 का स्क्वायर लोगे जो कि आपका इक्वल होगा 36 के इक्वल होगा, और उसी तरह अगर आप लास्ट नंबर लोगे जो कि आपके पास है 7-49, अगर आप 7 का स्क्वायर लोगे जो कि आपका इक्वल होगा 49 के इक्वल होगा। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में सिंपली क्या फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप इन दोनों नंबर को लोगे जो भी आपके पास सेकंड नंबर आएगा उसका स्क्वायर हमारे पास दिया होगा फर्स्ट नंबर में या सेकंड नंबर में, और उसी तरह अगर हम फर्स्ट नंबर को देखें जो कि हमारे पास है 80-9, अगर आप 9 का स्क्वायर लोगे जो कि आपका इक्वल होगा 81 के इक्वल होगा, पर यहाँ पे हमें दिया गया है 80 के इक्वल दिया गया है। यानी कि ये जो नंबर है वो हमारे पास इस सीक्वेंस से सबसे अलग है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा यही हमारे पास होगा। यानी कि जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन डी 80-9 होगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।